तो आज की वीडियो में हम डी एन एफ ब्लॉक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे जेई मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थेरेटिकल चैप्टर है लेकिन पूरे लेक्चर के नोट्स की पी डी एफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ये वाला सेक्शन है इसे कहते हैं डी ब्लॉक और जो ये वाला सेक्शन है इसे कहते हैं एफ ब्लॉक डी ब्लॉक में चार सीरीज़ होती हैं थ्री डी फोर डी फाइव डी और सिक्स डी सिक्स डी सीरीज़ रेडियो एक्टिव होती हैं हैंस इसकी केमिस्ट्री हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं फाइव डी सीरीज़ में लेंथेनम और हैफनियम के बीच में चौदह एलिमेंट्स की सीरीज होती है जिसे लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं सिमिलरली सिक्स डी सीरीज में एक्टीनियम और रदर फोडियम के बीच में चौदह एलिमेंट्स की सीरीज होती है जिसे एक्टीनोइड सीरीज कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी सबसेल फिल्ड हो इस डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जिंक कैडमियम और मर्गरी जैसे एलिमेंट्स डी ब्लॉक में तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि इनका डी सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है एन एस सब्शेल में जीरो से दो इलेक्ट्रॉन्स और एन माइनस वन डी सब्शेल में एक से दस इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है फोर एस टू थ्री डी सिक्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना स्टेबिलिटी रीजन के कारण कुछ एलिमेंट्स में एन एस वन होता है जैसे क्रोमियम और कॉपर कुछ केसेस में एन एस ज़ीरो भी होता है जैसे पैलेडियम नेक्स्ट आता है एटॉमिक साइज़ अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइज़ पहले डिक्रीज करता है फिर ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड देन फाइनली इंक्रीज करता है क्योंकि शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे एंड हैं साइज डिक्रीज करता है धीरे धीरे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता जाता है पहले जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंपेरेबल हो जाते हैं जिसके कारण साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ओवरकम कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को और साइज़ इंक्रीज़ करता है अब अगर डाउन द ग्रुप देखें तो साइज़ वैसे तो इंक्रीज़ करना चाहिए लेकिन 4d और 5d सीरीज़ का ऑलमोस्ट सेम रहता है रीजन इज लेंथेन कॉन्ट्रैक्शन 5d के भरने से पहले 4f फिल होता है और 4f के इलेक्ट्रॉन्स पुअर स्क्रीनिंग करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर जाता है जो कि इंक्रीज़ इन साइज को कम्पनसेट कर देता है और साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड काफ़ी इरेगुलर सा रहता है वहीं डाउन द ग्रुप वैसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है लेकिन 5D सीरीज़ की आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D से ज़्यादा होती है लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण अब इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट अक्रॉस द पीरियड मेल्टिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज होने लगता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड्स पे जो कि डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले तो इंक्रीज होते हैं फिर पेयरिंग के कारण डिक्रीज होने लगते हैं अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन जहाँ पे एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर म्यू जीरो आता है तो डायमैग्नेटिक नेचर होता है और अगर म्यू नॉन जीरो हो तो पारा मैग्नेटिक नेचर होता है फॉर एग्जाम्पल अगर एन आई टू प्लस को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा फोर एस जीरो थ्री डी एट अब आठ इलेक्ट्रॉन्स को थ्री डी में फिल करेंगे तो अनपेयर्ड बचेंगे दो एन इज इक्वल टू टू को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट थ्री बोर मैग्नेटॉन एंड हेंस नेचर पारा मैग्नेटिक होगा नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है क्यों अपने स्मॉल साइज हाई आयोनिक चार्ज और डी ऑर्बिटल्स वाइटल्स के अवेलेबिलिटी के कारण अगली प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जनरली कलर्ड होते हैं इसका रीज़न होता है डी डी ट्रांजिशन इसको समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी लेवल में लौट कर आता है तो रेडिएशन इमिट करता है जो कि विजिबल रेंज में होती है एक बात ध्यान रखना एमिटेड वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब वेवलेंथ के कलर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है जैसे जहाँ रेड एब्जॉर्ब हुआ तो ग्रीन एमिट होगा एंड हेंस कंपाउंड ग्रीन कलर का दिखेगा इसके बाद आता है इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स इन कंपाउंड्स में छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन मेटल के क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप्ड रहते हैं ये यूजुअली नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल मेटल से ज़्यादा होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं केमिकली इनर्ट होते हैं और मेटैलिक कंडक्टिविटी रिटेन करते हैं अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत से रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं जैसे वी टू ओ फाइव कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हेबर्स प्रोसेस में आयरन और हाइड्रोजिनेशन में निकल इसका रीजन है वेरिएबल वैलेंसीज लार्ज सर्फेस एरिया और अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी और बाइटल्स अब देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एलॉय फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपस में एलॉयज़ बनाते हैं ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज फॉर एग्जाम्पल ब्रास है कॉपर और जिंक का एलॉय ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का एलॉय ये तो थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पहला आता है पोटेशियम पर मैगनेट दैट इज के एम एन ओ फोर इसकी प्रिपरेशन देखें तो लैब में इसे बनाया जाता है मैंगनीज के प्लस टू वाले सॉल्ट को पेरॉक्सोडाइसल्फेट से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके वहीं कमर्शियली इसे पैरोल्यूसाइड यानी एम एन ओ टू से बनाया जाता है सबसे पहले एम एन ओ टू को के ओ एच के साथ फ्यूज़ करके ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो हमें मिलता है के टू एम एन ओ फोर इस के टू एम का अल्कलाइन मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने पे हमें मिल जाता है हमारा के एम एक और पाथवे है के टू एम को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने पे ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है और हमें मिल जाता है के एम और एम जिसे फिर से हम रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो हीट करने पर डीप पर्पल कलर का के 513 केल्विन पे ग्रीन कलर के के टू और एम एन में डिकम्पोज हो जाता है अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैगनेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और पर मैगनेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे मैग्नेट आयन का कलर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है वहीं पर मैगनेट आयन का कलर डी डी ट्रांजेशन के कारण होता है अब देखते हैं केमिनोफोर के केमिकल रिएक्शंस जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस केमिनोफोर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम्स में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है अगर एसिडिक मीडियम में देखें तो एम एनोफोर माइनस आयन खुद रिड्यूस हो जाता है एम एन टू प्लस आयन में और अपने साथ वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है जैसे एफ ई टू प्लस को एफ ई थ्री प्लस में ऑक्जिलेट आयन को सी ओ टू में आई माइनस को आई टू में एंड सो ऑन अब अगर तुम्हें पूरी रिएक्शन लिखनी है तो सिंपली दोनों रिएक्शन को कंबाइन करो एंड बैलेंस कर दो रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट करके बताना एक छोटी सी वीडियो में अलग से बता दूंगा सिमिलरली अगर ये न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में देखें तो एम एन ओ फोर माइनस खुद रिड्यूस हो जाता है एम एन ओ टू में और दूसरे स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे कंपाउंड को जो कि है पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज़ के टू सी आर टू ओ सेवन इसकी प्रिपरेशन देखें तो लैब में से बनाया जाता है के टू सी ओ फोर को एस टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करके वहीं कमर्शियली इसे क्रोमाइट ओर यानी के टू सी आर टू ओ फोर से बनाया जाता है सबसे पहले K2CR2O4 के टू सी आर टू ओ फोर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एन ए टू सी ओ थ्री के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट इसे एसिडिफाई करने पे बनता है एन ए टू सी आर टू ओ सेवन अब इसकी रिएक्शन के सी एल से करा देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा के टू सी आर टू ओ सेवन अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो हीट करने पर ऑरेंज कलर का के टू सी आर टू ओ सेवन येलो कलर के के टू सी आर ओ फोर और सी आर टू ओ थ्री में डिकम्पोज हो जाता है एक और बात ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन्स आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं दैट मीन्स आयन की पीएच बढ़ाने पे हमें क्रोमेट आयन मिल जाता है वहीं क्रोमेट आयन को एसिडिफाई करने पे हमें डाइक्रोमेट आयन मिल जाता है अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और आयन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यहाँ पे दोनों ही आयन के कलर का रीजन लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है एक्चुअली होता क्या है एसिडिक मीडियम में सी आर टू सेवन टू माइनस सी आर थ्री प्लस आइन में रिड्यूस हो जाता है और अपने साथ वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है फुल रिएक्शन कैसे लिखनी है मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुम्हें तो ये था पूरा डी ब्लॉक अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होती है एन एस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन्स एन माइनस वन डी सब्शल में जीरो या एक इलेक्ट्रॉन और एन माइनस टू एफ़ सब्शल में एक से चौदह इलेक्ट्रॉन्स लेंथेनाइट्स में सीरियम गैरोनियम और ल्यूटेशियम में फ़ाइव डी वन होता है बाकी सब में फाइव डी जीरो होता है सिमिलरली एक्टीनाइट्स में प्रोटैक्टीनियम यूरेनियम नेपटचूनियम क्यूरियम और लॉरेंशियम में सिक्स डी वन होता है बाकी सब में सिक्स डी जीरो होता है ये बात याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है रीजन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेंथेनाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लेंथेनाइट्स ओ के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं Ln2O3 सल्फर के साथ बनाते हैं Ln2S3 एसिड के साथ रिएक्ट करने पे H2 गैस रिलीज होती है हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके LnX3 बनाते हैं एन के साथ बनाते हैं एल एन एन वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कार्बन के साथ 2773 सेवन सेवन थ्री कैलविन पर एल बनाते हैं आओ अब लास्ट में लेंथेनाइड्स और एक्टेनॉइड्स को कंपेयर करके देखते हैं लेंथेनाइट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं वहीं एक्टीनाइट्स प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ प्लस फाइव प्लस सिक्स और प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं लेंथेनाइट्स मोस्टली कलरलेस होते हैं जबकि एक्टीनाइट्स कलर्ड होते हैं लेंथेनाइट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं वहीं एक्टीनाइट्स में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रहती है लेंथेनाइट्स के कंपाउंड्स कंपेरेटिवली कम बेसिक होते हैं लेंथेनाइट्स रेडिएक्टिव नहीं होते हैं एक्सेप्ट प्रोमीथियम जबकि सारे एक्टीनाइट्स रेडिएक्टिव हैं लेंथेनाइट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजिली एक्सप्लेन हो जाती है बट एक्टीनाइट्स के केस में ऐसा नहीं है तो इतना ही था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आई होप तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर अगर हाँ तो ये इमेज में आई इन क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट करके बताओ और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब